स्वाध्यायकर्ता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य। नमो अरिहंतान, नमो सीतान, नमो आयरियान, नमो वचायान, नमो लोहे सहसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाचार्यं, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जेतु शासनं। मूल सिद्धांत था कि व्यापी व्यापक संबंध के साथ में ही उसका होता है, और उसमें से ये निकाला था कि एक द्रव्य ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता है, पर उस दूसरे द्रव्य को विकल्प करके उस विकल्प का भोक्ता होता है। जैसे समय तो अन्वय को नहीं भोग सकता, पर अपने मन। हेलो, चल रहे, आवाज आ रही? हेलो, आ रही। पर अन्वय को लेके तू जो तेरे दिमाग में विकल्प चलते हैं, उस विकल्प में अहम पना है, और उस अहम पने के कारण तू तेरे द्रव्य का अत्यंत सुख स्वरूप है, उसको अन्वय या जसकीर्ति या मम्मी या पापा या तेरी प्रैक्टिस या कुछ भी उसको मिला के तू उसका अनुभव करता है। तो ये सभी जीव की स्थिति है। जैसे अन्वय को देख के मैं हंसता हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, तो अन्वय को नहीं है, अन्वय को लक्ष्य में लेके जो उसके लिए मेरे को विकल्प है, उस विकल्प और इधर मेरे को जो हास्य हंसी आ रही है, तो हास्य कषाय का जो उदय है उसमें जुड़ के मेरे ही आनंद को मैं हंसी रूप में मेजर करता हूँ। तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है। तो जिनवाणी ये बोल रही है कि ये जो विकल्प उठे हैं, इसके अंदर हास्य आप कर रहे हो, बच्चों को संभालने का विकल्प आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो विकल्प मेरे और मैं दूसरे द्रव्य को भोग सकता हूं, ऐसा स्वामीपना वो अनंत संसार का कारण है। वो कैसा होता है कि किसी के घर गए, दूसरों का घर है, तो आप 4 दिन रहो, 10 दिन रहो, तो बिल्कुल अंदर अंदर रहते हो कि जितना जरूरी है जितना है उतना करके अपना काम निकाल के, क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर नहीं है, और वही आप अपने घर पे करते हो, तो वो उसको भोगने का जो है आपके घर पे रहने का वो एक अलग ही रहता है। तो पर द्रव्य को ये अहम पने से भोगता है, तो ये ऐसे भोगता है, और जिसका हम पना नहीं है वो अंदर रह के जितना जरूरी है जितना मूलभूत है उसके बाद में धीरे 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 वहां से कटना जाता है। बस ये संसार से कट होने का एकमात्र साधन था। इसके बारे में सब अपन ने प्रैक्टिकल भी करा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और कोई शंका है क्या इसके बारे में किसी को भैया? तो अपन फिर आगे का चले, शुरू करें आगे का, है ना प्रियंका? अब मैंने जसकीर्ति को रोटी बनाने का बोला और जसकीर्ति ने जला दी। अब ध्यान देना क्या हुआ इसके अंदर, बोलो भैया, एनालिसिस करो। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ तो मेरे मन में क्या इंटेंशन है बोलने के पीछे का, वो निकालो। यहाँ पे जसकीर्ति को लेके करता तो जो कि वास्तव में वैसा है नहीं। नहीं, हाँ, क्या जसकीर्ति ने जला दी, मतलब आप उसको करता मान रहे हो? सर्व साध्या में है जसकीर्ति को, जसकीर्ति रोटी नहीं, तो कर्ता काय का मान रहे हैं?
जलाने का, रोटी जलाने का, जलाने का। पर जलाने के पीछे मेरा भाव क्या है कि उसने काम क्या करा, सुधारा कि बिगाड़ा? बिगाड़ा है ना। तो जस कीर्ति, रोटी और जली। अब मेरे बोलने का इंटेंशन था कि जस कीर्ति को काम बोला था और उसने क्या करा, काम है ना। उसने मेरे मेरे घर का काम दिया था और उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो अपने को क्या लगा? उसने काम व्यवस्थित किया, काम व्यवस्थित किया। तो अब अपन इसका दोनों चीजें हो गई, जलाने के अंदर ये कि उसने बिगाड़ा और एक एग्जांपल लिया कि उसने अच्छा किया। तो भैया इसमें कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम बुरा किया? और हमारे काम के लिए हमारे दिमाग में क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन? हमने पर्याय पर्याय बोल दी, उत्पाद भी बोल दिया, तो हमारा काम कितने दिखे हमको, जिससे हमारा मतलब सत्ता था, बस वही काम दिखा, बाकी के सब काम दिखे ही नहीं। और जिनवाणी बोल रही है काम एक सूक्ष्म समय का है, कितने समय का है? उसने मकान अधूरा बना के छोड़ दिया, तो अब इससे अपन लो कि हम लोग व्यवहार में जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है उसी को काम मानते हैं, और वो भी काम के साथ अनंत समय के बीच के जो अनंत समय सब मिलकर जो बाद में जो उसका रिजल्ट आता है वो हमको काम लगता है। जैसे जसकीर्ति ने रोटी जलाई तो वो जलने रुकी क्योंकि रोटी से पेट भरता, तो वो जली तो वो बिगाड़ दिया। तो साहब इसमें काम कितने हुए थे? जस कीर्ति ने बिगाड़ने का करा, रोटी का रोटी रूप गोल परिणमन हुआ, चकले का चकले रूप उसके पर चलता रहा, बेलन का बेलन रूप एक्शन हुई, तो बेलन की एक्शन डायरेक्शन और रोटी जो गोल गोल घूम के जो उसकी डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन अलग अलग थी कि एक थी भैया? सब व्यवस्थित थी, सब अलग अलग थी ना। और अग्नि का अग्नि रूप जलना, तो कितने काम थे? मल्टीपल काम। और अपने को कितने दिखते हैं? अपने को जो फाइनल जली हुई रोटी बस वो दिखा पर वो एक भी कौन सा दिखता है, वो भी एक किससे दिखता है, कौन सा दिखता है? जिससे अपना अपना मतलब रहता है। तो भैया ये जो शादी का काम बहुत अच्छा हो गया, और शादी के अंदर कितने काम चले भैया, तो उसको कलेक्टिवली बोल के अपना मतलब सज गया तो बोल दे अच्छा हुआ, पर उसका हर समय का बोल देखो ना, उसका कि हर समय का उसका परिणमन होना था, वो परिणमन हुआ, तो कौन सा परिणमन सही और गलत हुआ? भैया रोटी जलती है तो उसके अंदर अपने को कहीं ऐसा आता है कि जलेगी तो वो अच्छा और नहीं जलेगी तो वो लोग को पेट भरेगा तो वो अच्छा? काम की ऐसी परिभाषा है, काम की परिभाषा क्या है कि जो अवस्था परिवर्तन हो वो एक एक सूक्ष्म समय का परिवर्तन हो जिसमें उत्पाद वे हो गई और नई अवस्था आई, एक समय की सूक्ष्म समय की, उसको पर्याय बोला है। तो जसकीर्ति ने रोटी जलाई तो वो रोटी की वो जो पर्याय थी रोटी रूप की वो अभाव होकर वो जलने रूप हो गई, तो अब इसमें अच्छा बुरा क्या हुआ? कुल मिला के कहना है कि हम जिनवाणी जो
कर्ता ये कारण कार्य में जो भी मीमांसा करती है वो एक सूक्ष्म समय को लेके करती है, सूक्ष्म समय का हमको समझ नहीं आता है, इसलिए एग्जाम्पल हमको स्थूल एग्जाम्पल देकर उससे वो उसका भाव लाने को बोलती है। हम जैसे रोटी का दिया, मिट्टी के बर्तन का दिया, तो वो जो स्थूल एग्जाम्पल से उसका एक सिद्धांत समझाना था और हम वो स्थूल एग्जाम्पल का जो एक कार्य हमको दिखता है वो उसको हम कार्य मान लेते हैं। अच्छा, एक कार्य के उसी वक्त कार्य कितने हुए, जैसे रोटी का हुआ तो कार्य कितने हुए। और दूसरी बात है कि कोई कार्य कभी अधूरा होता है। अब कार्य का लक्षण है एक सूक्ष्म समय के कि उसके अंदर उत्पाद और व्यय हो, पुरानी अवस्था चली जाए और नई अवस्था आ जाए, मतलब वो इसी वक्त सूक्ष्म समय में आती आती आती, मतलब ऐसा नहीं कि आज नई अवस्था तो चली गई और 10 साल बाद में पुरानी अवस्था आएगी। तो अब इसमें अधूरा काम क्या हुआ, अधूरा तो तभी हो सकता है कि किसी चीज का उत्पाद हो जाए और व्यय नहीं हो, या व्यय हो जाए तो उत्पाद नहीं हो। अरे वो मकान अधूरा है तो वो उसका काम एक एक समय का पूर्ण है। तो हम स्थूल काम के अंदर हमारा प्रयोजन ही सत्य है, तो इस अपेक्षा से उस कार्य के अंदर हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं और उस समय अपने कार्य पूरा। हाँ, और प्रत्येक कार्य वस्तु व्यवस्था के हिसाब से अपने आप में परिपूर्ण हो, यदि वो परिपूर्ण नहीं हो तो वो पर्याय नहीं रहेगी और पर्याय नहीं रहेगी तो द्रव्य नहीं टिक सकता, क्योंकि वस्तु का कौन सा स्वरूप है, अनेकान स्वरूप है। तो अपन ने 10 रुपए के पीछे 1 रुपए का वो करा था ना कि 10 रुपए की सिद्धि तभी कर सकते जब 1 रुपया हो, और 1 रुपए की सिद्धि तभी कर सकते कि जब 10 रुपया है। तो ठीक इसी प्रकार यदि वो कार्य अधूरा हो गया तो पर्याय तो रही नहीं, अब वो पर्याय नहीं रही तो पर्याय नहीं रहेगी तो द्रव्य टिक सकता है क्या। परिपूर्ण है, परिपूर्ण मतलब है कि वो कार्य कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं होता है, हर पर्याय अपने में परिपूर्ण है। अब ये बात है उस पर्याय का जो परिणाम उस वक्त का है इच्छा से मैच करता है, करता है। यदि हमारी इच्छा से मैच करता है तो हमको परिपूर्ण लगता है, वो हमारी इच्छा से मैच करता है तो हमको अच्छा लगता है, और हमको यदि वो नहीं लगता है तो वो या तो परिपूर्ण नहीं लगता है और वो बिगड़ गया तो अच्छा नहीं लगता। तो ये अज्ञानता की चीजें ये अपने को ध्यान में रख के कैसी हमारी अज्ञानता के अंदर स्थिति है, इन सब चीजों का निराकरण करना चाहिए। बोलो बेटी, अभी मेरे को समझ में नहीं आया, फिर इसको ये समझेंगे तब अपना काम पूरा होगा। तो वो जो नहीं समझ में आया वो भी अपने आप में कार्य हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कि नहीं हुआ। हेलो, पूरा हुआ है ना। और अपन क्या मानते हैं, अभी शास्त्र जी पढ़ा, अभी तो ग्रंथ अधूरा ही हुआ है। लोक व्यवहार बोलने में नहीं चलेगा, पर कि जितना है वो तो उतना उसका उतना ही परिणाम, तो वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो लोक व्यवहार में जो बात होती है तो उससे हम ये मान लेते हैं कि काम भी अधूरा होता है। भैया प्रियंका अमित, तू मानता था कि नहीं, अपन पहले बोलते थे तो मैं तो मानता था कि, और कुछ मानते थे कि नहीं, नहीं काम कंप्लीट हो गया, क्यों वो अधूरा वो ही आया कि मेरी इच्छा कुछ और थी और उस इच्छा के अनुरूप नहीं है इसलिए मेरे को अधूरा दिख रहा है। तो परिणाम इच्छा के अधीन थोड़ी है।
परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तेरे को जो तेरा खाना तूने खाया है उस खाने में से पुद्गल का कर्ण तेरे बाल में जाएगा, कौन सा पुद्गल का कर्ण तेरे ब्लड में जाएगा, कौन सा पुद्गल का कर्ण तेरी चमड़ी बनेगा, कौन सा पुद्गल का कर्ण नाखून बनेगा, इस पे कंट्रोल है तेरा, ये तेरी इच्छा से हो रहा है। तेरी इच्छा से हो रहा है, किसी की इच्छा से हो रहा है भैया? और अपनी इच्छा से होता है तो अपने बाल सफेद क्यों हो रहे? यदि आपकी इच्छा से सब काम चलता है और यदि बाल सफेद हो रहा है, इसका मतलब है कि आप बाल सफेद करना चाहते थे। आप ओल्ड एज में आप जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद चाहते थे कि मैं ओल्ड एज में बुढ़ापा मेरे को आए। तो यहां से यही निकालने का नियम कि कोई भी चीज परिणमन अत्मन वो उस वस्तु की तत्समय की योग्यता से होता है, स्वभाव रूप परिणमन हो कि विभाव रूप परिणमन हो, वो उसकी तत्समय की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। वो न तो इष्ट होता है न अनिष्ट होता है, न काम सुधरता है न काम बिगड़ता है, न काम पूरा होता है और न काम अधूरा होता है। प्रत्येक द्रव्य का काम परिपूर्ण हर वक्त पूरा का पूरा ही होता है। यदि पूरा नहीं हो तो वस्तु का नाश हो जाएगा। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है तो फिर अपन आगे चले। बोलो, ये अपन यहाँ पे जितने सिद्धांत ये कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड अपने को जो भी भाव होते हैं अमित, क्योंकि कभी तो अपने को करता पड़ेगा कि उसने मेरा काम कर दिया, इसने मेरा काम कर दिया, तो उस अपेक्षा से अपन ने कर चलाया था। दूसरा, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे से अलग है, ये मेरा मकान है, उस प्रकार से चलाया था। तो ये कितने प्रकार से मिथ्यात्व अपने घुस जाता है और उसको कैसे करना है, तो जो जो सिद्धांत है ना उसको प्रैक्टिस में लाना। कभी कोई चीज चलेगी, कभी कोई दूसरा चीज चलेगी, पर कुछ भी चले भेद विज्ञान चलना चाहिए। तो करत करत अभ्यास के उस जीव को पूरा ज्ञान विशुद्ध हो जाता है। चले अपन अब आगे चल रहे। बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो। चलो आप देखो, अपना लोक व्यवहार जो होता है पढ़ने का, आप ध्यान देना, जो लोक व्यवहार होता है जगत का, घी किससे बनता है भैया? देसर, ए देसर, अमित, घी किससे बनता है? मलाई से, मलाई से, दूध से, दूध से निकलता है। दूध से बनता, एक मिनट, हाँ, घी दूध से बनता है ना? मलाई से निकलता है, मलाई से। हाँ, मलाई से देख लो, सब 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 दूध में आएगा ना? घी किससे बना? दूध से। रोटी किससे बनी? आटे से, है ना? आटे से। अब अपन ने ये जो, अब इसमें मैं कॉमन सेंस की बात पूछूं कि ये अपन ने कथन बोला, कथन करा कि नहीं करा? और अपने मुंह से बोला ना, बोला बोला, तो अपने को जो पहला नियम पहले दिन अपन ने बोला था कि कुछ भी बोलेंगे तो वो तो वस्तु स्वरूप के लिए बोला जाता है, और वो कुछ भी बोला है तो उसको अपेक्षा से बोला हुआ सही और उसके साथ तो प्रतिपक्षी अपेक्षा हो और नहीं है तो सर्वथा के अंदर वो मिथ्या।
अब यदि यहाँ पे घी दूध से बनता है तो भैया किसने क्या क्या अपेक्षा रखी और उसकी प्रतिपक्षी अपेक्षा क्या थी यहाँ पर? मतलब घी दूसरी कोई वस्तु से नहीं बन सकता? हाँ, घी दूसरी कोई वस्तु से नहीं बन सकता? हाँ, और उसकी जब योग्यता होगी तब बनेगा, मतलब उसकी वैसी उसकी परिणमन होना चाहिए तो बनेगा। नहीं, ऐसा है कि वो जो घी है घी से ही बनेगा वो एक सही है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा दूसरा एंगल चला रहे हैं, दूसरा एंगल है वो आपका सही है कि दूसरे तरीके से नहीं बनेगा घी, घी से दूसरे बनेगा मतलब गोरस से बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा, दूसरी चांदी से नहीं बनेगा, वो बिल्कुल सही है। अब इसको एक ही चीज को अलग एंगल से देखना है। अब जो लोक व्यवहार होता है, लोक व्यवहार में भी सरलता का अभिप्राय अपने कैसे घुस जाता है कि घी दूध से ही बनता है। तो रोटी आटे से ही बनती है, ये जो सोच है यदि जिनवाड़ी से पूछेंगे तो सोच दो प्रकार का, एक विशेष सोच और एक सामान्य सोच। कितने प्रकार के भैया? विशेष और सामान्य। तो विशेष के अंदर क्या होता है कि जो घी बनने के एक समय पहली जो अवस्था होती है, अब ध्यान देना, एक तो उससे व्यवहार चलता है, उससे व्यवहार चलता है। मैं जैसे रोटी बनने के पहले की स्थिति कैसी रहती है? आटा रहता है, मतलब उसके उसकी जो रोटी बनने के एक समय पहले की जो स्थिति रहती है, पर्याय रहती है, अवस्था रहती है, उससे कथन किया जाता है। ये किसके? तो दूध है, दूध से ही अपने घी बनता है। तो ये हो गया विशेष सोच, मतलब अब विशेष का प्रतिपक्ष अपन देखे तो सामान्य सोच भी चाहिए। तो ये हमारी जो आसक्ति है वो तोड़ेगा, उसके लिए सर्वथा का अभिप्राय तोड़ेगा। तीसरा, जिनवाणी बोल रही है कि एक 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 भूतल परमाणु में अनंत बार भोग लिया है, तो हमको कई बार अपने को लगता है कि कहाँ करा ऐसा, तो वो इससे निकल गया है। तो अब ये विशेष सोच से जिनवाणी यदि बोले तो जिनवाणी बोलेगी घी से दूध से घी बनता है, आटे से रोटी बनती है, तो उसकी अपेक्षा रहेगी कि ओग और आतेश बोलते हैं। तो विशेष से यदि बोलेंगे एक समय की पहले की पर्याय की अपेक्षा से जो व्यवहार होगा उसकी अपेक्षा से, तो वो जिनवाणी भी यही बोलेगी। पर सामान्य से यदि बोले मेरे, तो सामान्य से यदि घी अमित घास से बनता है क्या? नहीं। और ये पूर्वा, रोटी खाद बनती है क्या? नहीं। ये घास से नहीं बनी है, और मिट्टी से या खाद से, मिट्टी मतलब खाद मतलब ही मिट्टी हो गई ना। ये कितने मिनट का टाइम बाकी है? 8 मिनट। तो फिर बता देना है ना। तो आगे खाद से बनी, और दोनों ने क्या करा? मना किया। चलो कौन जवाब देगा, इन्होंने मना किया, ये सही करा कि गलत करा? गलत है। कौन बोल रहा है? श्वेता बोल रही है। हाँ, क्या गलत है इसमें बताओ, इनको क्या गलती है? तो इनका दिमाग करेक्ट हो जाए। गलती ये नहीं है, गलती ये है कि ये एक ही विशेष तरीके से सोच रहे हैं, सामान्य तरीके से नहीं सोच रहे। हाँ, तो कौन सा अभिप्राय हो गया? धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। तो कौन सा अभिप्राय हो गया? सर्वथा का अभिप्राय हो गया ना। हाँ, क्योंकि अगर आप चेन देखोगे
मतलब अगर आप हाँ, इनको समझाओ, इनको चेन बताओ, जो रूट है अगर हम रूट को समझेंगे तो हमको अल्टीमेटली ये समझ में आएगा कि वो जो खाद है वो डली है, उसकी वजह से वो गेहूं उत्पन्न हुआ है, गेहूं उत्पन्न होने के बाद घर में आया है, जो भी प्रोसेस हुई है और फिर वो आटा बना है, देन रोटी बनी है। तो ये जो हाँ अपन बीज की प्रोसेस को गायब करके, साइंस होता है ना, बीज की प्रोसेस को गायब करके यदि मैं यदि बोलूं कि खाद से रोटी बनी है तो कोई आपत्ति है क्या? डॉक्टर साहब हाँ बोलो। चश्मे से रोटी बनी तो क्या दिक्कत है? चश्मे से रोटी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि पुद्गल है ना, तो पुद्गल पुद्गल ये गलती मिट्टी और मिट्टी की power off। हेलो, आवाज ही चली गई है, वो उनके वहां नेटवर्क इशू है, नेटवर्क। अरे चश्मे से पावर का इशू हुआ है, मैं बोल रहा हूं। पुद्गल नित्य परमाणु है, सब खाद है, मिट्टी है, तो उस हिसाब से वो सामान्य तरीके से सोच रहे हैं, एक दूसरे में बदलता है। अरे पर आए अशोक कुमार जी, वो पापा नहीं, पापा चले गया था आपका वीडियो वापस से बोलो, चले गया था, किसी को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो आप। अच्छा फिर से बोले तो ये तो टाइम समाप्त हो गया ना, 3 मिनट है। हाँ 1 मिनट लगा देते फिर से, छह मिनट है, चलो फिर से कर लो। वो समझ में आया चेन? हाँ अशोक कुमार जी, आपका आपको भी शंका समाधान हो गया? ठीक है। तो रोटी आटे से बनी, अपन लोग व्यवहार बैठे हैं, और यदि रोटी खाद से बनी ऐसा बोलोगे ना तो अपने उठा के बाहर फेंक देंगे लोग, तो बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा। पर जब मानने की बात आएगी तो किसी अपेक्षा से रोटी आटे से बनी और किसी अपेक्षा से खाद से ही बनी, ये व्यापक सोच जिन्मय कराना चाहती है, और उसका उसका मैकेनिज्म श्वेता ने बताया। अब ऐसा कैसा दूध घास से निकला, यदि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये मेरी ये हुआ कि मैं यदि घी खा रहा हूँ, अशोक कुमार जी यदि आप घी खा रहे हो और मैं घी खा रहा हूँ तो मैं घास खा रहा हूँ, तो गाय भी घास खा रही है और मैं घी खा रहा हूँ, तो उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या प्रियंका? नहीं है। तो अब जब ऐसे देखो नहीं है ना, तो अब ऐसे देखोगे तो आपने को लगता है कि अपन घी खा रहे हैं और बेचारा वो गरीब कुछ भी खाता है, घास फूस खाता है, ये गाय घास फूस खाती है, तो अपने को बेचारी लगती है, और जिनवाणी बोलती है कि जो खाता वो सभी घी खाए तो भी बेचारा और घास खाए तो भी बेचारा, बेचारे से मतलब अज्ञानी। और जब आप इससे देखोगे तो वो एक ही कण, वो एक कण, सुनो जैसे ये घास था, एक कण घास का, एक कुद्दल का एक कण घास होगा, अब घास से वो गाय ने खाया, गाय ने गाय के शरीर के अंदर वो दूध के रूप में कन्वर्ट हुआ, और दूध में कन्वर्ट होके वो इधर आया, और इधर आने के बाद में उसका घी बना। आई समझ में? अब मैंने घी खाया, घी खाने के बाद में मल मूत्र में जो बना वो जाके खाद बनी,
और खाद फिर मैंने खेत में डाली और तो उसके बाद में उसका गेहूं आया और गेहूं से फिर आटा हुआ और आटे से रोटी बनी। तो वो एक ही पुद्गल परमाणु, एक ही परमाणु अनंत काल अपने को अनादि से, अपना पुराना अनादि से है। तो आज तक एक 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 पुद्गल परमाणु जो अनंत बार अपने भोगा है वो ऐसे भोगा है कि कभी उसको अपन ने घी के रूप में भोगा है, कभी अपन ने उसको रोटी के रूप में भोगा है, कभी उसको दाल बाटी के रूप में भोगा है, कभी उसको चूरमे के रूप में भोगा है, किस कुछ भी बोल दो। कभी जब मैं गाय था तो घास के रूप में करा है, जब सुअर था कि पर्याय में था तो कैसे करा, वो सब कल्पना करो। तो ये ऐसा सोच करने के बाद में मेरे को ये जीव को जो परद्रव्य और परद्रव्य में पुद्गल के प्रति जो आसक्ति होती है, कट गया क्या?